साथियों की आप लोगों ने वर्षा होते हुए भी हमारी सभी राह देखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज रात्रि भर ऐसी जोरदार बारिश आ रही है, इसलिए नहीं मुझे रुकना पड़ा क्योंकि जो लोग बाहर भीग रहे थे उनको मैं छोड़ नहीं सकूं। तो जगह जगह पे भीगते हुए लोग, खुश होते हुए लोग, मौज मस्ती करते हुए लोग, सब लोग ने जब रोका तो एक एक करके सबसे रोकते हुए सब लोगों के साथ मौज मस्ती करते हुए आज आप लोगों के बीच में आई हूँ। और आप लोगों ने भी यहाँ कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, इतने सारे लोगों ने आके दिल भर के जो प्यार देने का काम सिलसिला चालू किया है उसके लिए मैं आप लोग सबकी बहुत 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 आभारी हूँ। राजस्थान का तीसरा नंबर है महिलाओं के अत्याचार में, तो ऐसा
ऐसा है, एक मुहावरा है, आपने भी सुना होगा, एक मुहावरा है कि कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है और सब लोगों को हर समय बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में ये कहते हैं कि क्योंकि फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये सही नहीं, इसको अच्छी तरह से समझ गई है। और मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान अब इसको बिल्कुल सहेगा नहीं। मैंने 9000 किलोमीटर की यात्रा की है और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे ये बताया जाता है कि राजस्थान के जयपुर के अंदर ये हमारा मुखिया कहता है कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं देख रही हूँ कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं आपका डॉक्टर नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं टीचर नहीं है। और कहते हैं कि साढ़े 4 साल में राजस्थान को चमन बना दिया। क्या चमन बनाया, क्या काम किया है? अरे हमको लिख के दें किस तरीके से उपलब्धि बना के हमको नहीं दे सकते, क्योंकि राजस्थान की जनता की आंख खुल चुकी है। और हम लोग सब जानते हैं कि इन लोगों के हाथ काम पड़ने वाले नहीं है। ये देखो आज के अखबार के अंदर किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा है और ये भी लिखा है झुंझुनू से कि यहाँ के किसानों को अनुदान पर खाद और बीज लेने के लिए रोजाना परेशान होना पड़ रहा है। आप यहाँ सब किसान बैठे हुए हो, क्यों भाइयों आपको खाद और बीज आराम से मिल रहा है क्या? नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को पुरानी जो आपदा हुई थी जिसके ऊपर ओले पड़े थे और पारा पड़ा था उस समय आपको मुआवजा मिला था क्या? आपको 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या? सहकारिता विभाग से क्या आपको 1,50,000 का बिना ब्याज का लोन मिला क्या? आपके यहाँ अगर खराब हो जाता है ट्रांसफार्मर तो क्या उस ट्रांसफार्मर को 72 घंटे के अंदर बिना पैसे के कोई बदल देता है क्या? और ये बताओ मुझे कि कोई बेकसूर लोगों के बीच में जाके VCR भर के 1-1 लाख के बिल बना बना के आप लोगों के बीच में लोगों को परेशान किया जा रहा है क्या? मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कह दिया है कि सरकार अभी आएगी ये VCR को अपन चेक करेंगे और चेक करने के बाद जिन लोगों को परेशान किया उनको दंडित किया जाएगा और ये पैसा उनसे वसूला करके और वापस। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत विभिन्न प्रकार की आवश्यक चिकित्सा जांच की वो भी निःशुल्क। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को निःशुल्क जांच हो रही है क्या? आपके यहाँ आपको अच्छी तरह से निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही है क्या? पिलानी की जनसंख्या 60,000 है, 40 पंचायतें इससे जुड़ी हुई है और इसके बावजूद भी यहाँ सामुदायिक अस्पताल नहीं है। उधर चिड़ावा अस्पताल को प्रमोट करने की घोषणा के बावजूद भी उसमें चिकित्सा की सुविधा नहीं है और हमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जब डॉक्टर नहीं है, जब नर्स नहीं है, जब आपका सामुदायिक अस्पताल नहीं है तो ये कहाँ से आपको मिल रही है निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच मिल रहा है क्या? नहीं मिल रही है। मैं फिर कहती हूँ कि उपलब्धि नहीं है, ये घोषणा है और जब तक वो उपलब्धि नहीं बन जाती तो लोगों को गुमराह करने का ये काम जो किया जा रहा है वो सरासर पाप है। अब ये मेरे पास एक और है पत्रिका का, ये आज का सुबह का पेपर है, इसमें तस्वीर है आपके कलेक्टर की अस्पताल में, जो आपने देखा होगा एक बोतल हाथ में रखे हुए, वो गई थी अस्पताल में जांच करने के लिए। जांच करने के बाद पाया जिस तरीके से ये दवाइयां मिलनी चाहिए वो तो मिली नहीं है और ये सरकार कुछ कह रही है और कुछ आपके अस्पताल के अंदर हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज भी पत्रिका पढ़ी? आपने अपने झुंझुनू का कवरेज देखा? आपने देख लिया एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि निःशुल्क दवाइयां आप लोगों को दी जाएगी और दूसरी तरफ एक भी अस्पताल के अंदर वो काम नहीं हो रहा है। फिर मेरे पास एक और काम है, यहाँ एक भास्कर का आज फ्रंट पेज, इसमें नौकरी के लिए पूरा परिवार चढ़ गया टावर पे, पर आपने मैं सब
मैं फिर सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सबको जिस तरीके से पहले आरपीएससी के द्वारा हम लोग परीक्षा करवाते थे और जिस तरीके से ट्रेन को निकल के हम आरपीएससी में फिर वापस जाएंगे, हमारे बच्चों को फिर से नौकरी का इंतजाम मिलेगा। टेट के एग्जाम को अलग करते हुए आरपी के एससी के एग्जाम के अंदर जाके युवाओं को आगे करेगी। आपने आप बात देखा होगा, 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 7 लाख ट्रेन के ऊपर अपनी जान जोखिम में रख के चले और ट्रेन के ऊपर चढ़ के 2200 करीब नौकरियों के लिए और वो भी पटवारी परीक्षा के लिए उसमें चढ़ के गए। अब सोच लीजिए 3 लाख लोग 350 नौकरी की बच्ची वाले की नौकरी के लिए लाइन में लग के खड़े रहे। 7 लाख बच्चे गए बाहर राजस्थान से कंप्यूटर प्रशिक्षण परीक्षा करने के लिए। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि लगातार उनको नौकरी मिल रही होती तो आज क्या ये स्थिति आप लोगों को देखने को मिलती? इसलिए मैं सब लोगों को कह रही हूँ भाई और बहनों, फिर हम लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इनको अपनी आंखों में धूल झोंकने का मौका नहीं देंगे। नहीं होने की वजह से जोरदार परेशानी है क्या? बेहद कम दाब इसकी वजह से सप्लाई होने के कारण शहरवासी के घर के आगे गहरे गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं और गड्ढे खोद के उसके अंदर पंप लगाना पड़ रहा है और उन गहरे गड्ढों में से पानी पंप करके अपने पास लेने की कोशिश है। आज जानवर जैसे आदमी पानी पी रहा है इस पानी के अंदर। कम से कम 2 लाख गैलन क्षमता की ओवरहेड टैंक बनाई जाएगी तब ये शायद समस्या आपकी पूरी हो सकती है। आज ये पिलानी की अकेली भी नहीं है, मैं पूरे के पूरे राजस्थान में से घूम के आई हूँ, सब दूर मेरे को यही बात मिली है, न पानी है न बिजली। मैं कह रही हूँ कि पानी नहीं है आपके पास और इस पानी का काम ठीक कराने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले अपने हाथ में ये बात लेके अपन चलेंगे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ और माताएं बहनें, जो बिजली की अलग से लाइन मैंने आप लोगों के लिए ये ऐतिहासिक लाइन जो सिंगल फेज की आप लोगों को घर में ला के दी थी, जाते जाते 18 से 20 घंटे तक आपको बिजली मिलने लगा था। मैं आज आपको ये कह के जा रही हूँ कि अपनी सरकार जब आएगी तो 24 घंटे बिजली आपको घरों के अंदर और ये है आखिरी, इस आखिरी वाले ये है राजस्थान पत्रिका जयपुर, इसका हेडलाइन है सड़क पानी बिजली कुछ भी नहीं, क्या करेंगे लोग और क्या करेंगे लोग। मैं पूछ रही हूँ कि 4.5 साल निकल गए, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रही है ये सरकार? रोज झूठ बोलने के सिवाय और कुछ होती तो है नहीं। आप लोगों के बीच में जाती है, हम लोगों को परेशान करती है, कभी सीबीआई आगे रखती है, कभी फाइलें खंगालती है, कभी कमीशन बनाती है, 8 दिन तक उंगली नहीं उठा सकी। आप लोगों ने जो चुंदड़ी पहनाई उस चुंदड़ी की इज्जत आज तक आपके लिए रखी हुई है और न कभी सब हमारे लोग स्वाभिमानी इज्जतदार लोग है और राजस्थान का इज्जत और स्वाभिमान इसको सबसे पहले और सबसे आगे रखने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। परंतु मैं ये चाहती हूँ कि ये सब काम जो नहीं हुए हैं क्या इन कामों को हम लोग मिलकर कर सकते हैं? इन कामों को अगर मिलकर करना है तो 36 के 36 कौम और सब मजहब लड़के नहीं एक दूसरे को साथ लेके प्यार के बंधन में बन के जब साथ चलेंगे तो एक नया राजस्थान, एक समृद्ध, एक खुशहाल, एक ऐसा राजस्थान जिसमें बच्चों को रोजगार, महिला को सुरक्षा, किसान को मजबूती और व्यवसाय को फैक्ट्री, ऐसी गति बनेगी, ऐसा राजस्थान बनाएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब 4.5 महीने बके काम तो नहीं किया 4.5 साल, अब सोगाते खेलाते सब बट रही है। आपको साइकिल चाहिए नहीं दे सका, चलो पैसे ले जाओ। अगर आपको लैपटॉप नहीं मिला चलो पैसे ले जाओ, चावल नहीं मिला लो पैसे ले जाओ, पेंशन अरे तुम्हारी कब तो पेंशन देनी थी पर कोई नहीं, आप दे रहा हूँ मैं, लो पेंशन भी ले जाओ।
अरे तुमको नहीं मिले पैसे तो साड़ी ले जाओ, दो साड़ी ले जाओ, अरे बच्चों को चाहिए चलो कुर्ता पजामा भी ले जाओ। तो एक प्लेट और दो कटोरी वो भी ले जाओ, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे 4 साल दुखी रखा और आज कह रहे हैं सोने का महल चाहिए, आज कह रहे हैं दूध की नदियां ले जाओगे, अरे हाँ हम ले जाएंगे, पर स्वाभिमान से अपने पैर पे खड़े होके हम राजस्थान के सोने के महल बनाएंगे, हम दूध की नदियां राजस्थान के अंदर लाएंगे, हमें किसी के लिए सौगातों की जरूरत नहीं है, हम लोग लेंगे और अपने राजस्थान को बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं पर ये आपको कह रही हूँ, ये जो सौगातें बट रही ना, ये सब अपना ही पैसा है, छोड़ना मत, इस पैसे को जरूर ले जाना। आपने छोड़ दिया तो ये वो खाने धन में जाके स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर जमा हो जाएगा, चाहे इतने सालों से जमा होता आ रहा है। अभी अभी देश का दामाद आ गया था और पूरे बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर को लूट के ले गया, 10,000 हेक्टेयर भूमि खरीद के सस्ते दाम पे और महंगे दाम पे बेच के अशोक गहलोत के साथ मिलके और इतने जोरदार पैसे बना के गया है, सबने पढ़ा है, सब जानते हैं। अरे उनको दे सकते हो जमीन, हमारे गरीब किसान को 2 बीघा जमीन देने को तैयार नहीं हो, हमारा किसान कहता है हमें दे दीजिए, अरे राजस्थान का गरीब है ना, इसलिए उसको नहीं मिलेगा। अगर देश का दामाद होता तो परत पावड़े बिछा के राजस्थान का कुछ भी लेना सकते थे। किसी के बातों में अपन नहीं आएंगे, ये नया राजस्थान हम बनाएंगे, इसमें महिला पुरुष युवा और बुजुर्ग उनका आशीर्वाद की जरूरत है और 36 के 36 गांव चलेंगे और एक नया राजस्थान हमारे सपने का राजस्थान बनाएंगे। और अगर आप तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बताओ मेरे को और क्या आप में हिम्मत है, ऐसे मत करना क्योंकि लुभाएंगे और लुभाने के बाद फिर आपको डराएंगे। अभी मेरे पास आए थे कुछ लोग गांव में और गांव में उन्होंने मेरे को ये कहा कि 3 बच्चों की मर्डर हुआ है, उन 3 बच्चों के मर्डर के ऊपर आप लोग मेहरबानी करके CBI को जांच करवा दीजिए। अभी बुआरा के अंदर हमारे हाँ वो जो अपने स्वतंत्रता सेनानी के बेटे की डेथ हुई, हाँ और वो अभी CBI की जांच मांग रहे हैं। मैंने कहा भैया तुम लोग CBI की जांच नहीं मिलने वाली है, वो अच्छे है क्योंकि CBI को हमसे काम है आपसे नहीं, ये गुलाब जी को बंद करेंगे, ये मेरे को परेशान करेंगे, ये हमारे सब लोगों के पीछे पड़ेंगे, ये तो जो राजनीति करता है उसको दबाने के लिए लगाए गए हैं, उनको काम नहीं है आपके केसों के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई केस है तो हमारे क्षेत्र के हमारे पुलिस वाले वही आपको ठीक करके देंगे, वहां जाने से अपने को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो आपकी तरफ झांकने के लिए भी उनके पास समय नहीं है, हमारी तरफ देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों सबको कहती हूँ आने वाले समय के अंदर किसी को भयभीत नहीं होना है, आने वाले समय के अंदर किसी को डरना नहीं है, हम लोगों को आगे चलना है और ये सोच के चलना है कि राजस्थान का भविष्य हमारे हाथ में है, हम सब लोग मिलकर चले। याद रखे पिछले 5 साल हमने इसको दिया, पिछले 5 साल अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को मिल जाती तो चमन होता राजस्थान, परंतु आज नरेंद्र मोदी 15 साल के अंदर गुजरात को चमन बना रही है, उधर 10 साल के अंदर आपके शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को चमन बना लिया है और यहाँ 53 साल के बाद हम गड्ढे में बैठे हुए हैं। ऐसी सरकार को क्या हम रखेंगे, ऐसी सरकार को हम बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे साथ बोलो जोर से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। Thank you.